And then they come to my office of getting it done. और बाकी मेरे कलीग्स और सारी पब्लिक और जो लोग आए हुए हैं, मैं सबका वेलकम करता हूं। आज डिस्ट्रिक्ट सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एंड वेलफेयर ऑफिसर आए हुए हैं हम आज यहां पे। हमने डिसेबिलिटी और एज सर्टिफिकेट, आप लोगों को सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि ये सर्वे हुआ कि हर डिपार्टमेंट की कुछ सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन जो सराउंडिंग एरिया है लोगों के लिए लगाया गया है। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अपना पुराना जिन्होंने ये सर्टिफिकेट बनाया है जो ऑनलाइन ही हुआ है, या जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है किसी वजह से भी रह गया हुआ है, तो अब जो है ये सर्विसेज जो है आपके पहले सांबा में होती थी, अब दो स्टेप पे है, विजयपुर में ही है। तो मैं सबसे अपील करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके यहाँ पे अपना जो है वो सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो है यहाँ पे बैठी है, वैसे ही कैंप जो है आगे भी लगते रहेंगे। तो कुछ लोगों ने जो है पॉसिबिलिटी है कि जो लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कि कैसे भरना है फॉर्म और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। इसके लिए जो मेन आ रहा था कि जिसमें ए सर्टिफिकेट जो है जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जैसे स्कूल सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट से इशू होता है आपके नोन में है, सब लोग अपना आभा आईडी कार्ड जरूर बनवाइएगा। ये जो आभा आईडी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पर्पज ये है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन मिलने से आपको ये सुविधा होगी कि आप घर से भी, जैसे जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं या हर जगह गवर्नमेंट ने ये डीएलईज बिठाए हुए हैं, ये जो सर्विस सेंटर होते हैं उसमें लोग बिठाए हुए हैं, आपके जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत लेवल पे भी सीएससी सेंटर्स हैं जहाँ पे उन्होंने डीएलईज बिठाए हुए हैं, वहां पे जाके आपने ये ऑनलाइन डालना है, उसमें डलवाना है कि मेरे को ये सर्टिफिकेट चाहिए। उसके उस दिन आपका बोर्ड हो जाएगा, मेडिकल जो डॉक्टर की टीम है वो आपको चेक कर लेगी के लिए है। तो आप लोग जितना आगे आएंगे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको घर बैठे ये काम हो जाएगा आपका। आप अपनी जमीन के कागज देख सकते हो, जमीन आपकी पोर्टल पे चढ़ी हुई है आज। सरकार की तरफ से एक मोड पे ही देनी है और ये सभी अब डिजिटल हो गई हैं सर्विसेज। तो पहले जिन लोगों के पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स बने हुए थे डिसेबिलिटी के, जिनको अब यूडीआईडी कार्ड्स मिलेंगे, वो अब ऑनलाइन ही लोगों को अप्लाई करना है। और हमारे यहाँ पे बोर्ड होगा, डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड होगा और लोग ऑनलाइन बोर्ड पे ही उसको ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है लोगों के लिए, जो पहले लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब इसमें सिर्फ एक बार अप्लाई करेंगे, एक बार सिर्फ बोर्ड के लिए लोगों को यहाँ आना है जिसमें डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे, अदरवाइज उनको हॉस्पिटल में अप्लाई करने के लिए या बाद में सर्टिफिकेट लेने के लिए चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही एज सर्टिफिकेट के लिए भी लोगों को, जिनको ओल्ड एज पेंशन लगती हैं या एज सर्टिफिकेट की वजह से और बेनिफिट्स होते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उन लोगों के लिए भी एक सुविधा हो गई, वो ऑनलाइन घर से भी अप्लाई कर सकते हैं या खिदमत सेंटर्स के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो हमने वीएलईज को यहाँ बिठाया हुआ है, उनसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, वो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, यहाँ हमारे डॉक्टर्स का बोर्ड है जो एग्जामिन करेगा और उनको एक एज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिन लोगों के पास भी पहले कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट या कोई भी एज प्रूफ नहीं है, उनकी सुविधा के लिए ये कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है और ये अब हम एक रेगुलर फीचर बना देंगे ताकि जितने भी लोगों को ये यहाँ से विजयपुर के लोगों को सांबा जाना पड़ता था डिसेबिलिटी के लिए, वो हम महीने में एक बार यहाँ पे भी बोर्ड करवाया करेंगे और हर हफ्ते एज सर्टिफिकेट यहाँ पे बनेंगे। तो ये हम जो भी डे होगा ये पब्लिसाइज कर देंगे और ये लोगों की सुविधा के लिए हमने कैंप लगाया है। सांबा जिला के जितने भी हमारे लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज विजयपुर हॉस्पिटल में एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें के लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट और यूडीआईडी सर्टिफिकेट चाहिए होता है पर दिव्यांगजन, वो उसके लिए स्पेशल कैंप है जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। मैं आपके माध्यम से हमारे जितनी भी यहाँ पे जनता है उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के कैंप जो हैं वो वीकली अब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिससे कि लोगों को दिक्कत नहीं होगी और लोग जो हैं हॉस्पिटल में
फिक्स डे पे, फिक्स टाइम पे और फिक्स एक काउंटर जो डेडिकेटेड काउंटर है उसी पे लोग वहाँ पे जाके अपना जो ए सर्टिफिकेट और जो अपना ये यूडीआईडी कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। क्योंकि अब जैसे कि सबको पता है कि अब मैक्सिमम जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग बेनिफिशरी हैं जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं और जो नए पेंशन बेनिफिशरी जिन्होंने अप्लाई करना है, दोनों ही सूरतों में आप जो को ये जो सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो इसी पैटर्न पे हम जो बाकी डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे रेवेन्यू का डोमिसाइल या एफिडेविट एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट का, तो वो भी हम सेम ही पैटर्न पे यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो।